बढ़िया मार्केट है। पूरे लेक में चारों तरफ जो ठंडी रोड पे लेके ताल डाट से होती है, वहाँ पे जो टोल बूथ बना हुआ है और वहाँ से। वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज देखिएगा धूप भी है और ठंड भी है, देखिए मौसम कितना ठंडा हो रहा है। और अभी मैं जा रहा हूँ मफलर लेना, मैं मफलर जो अपनी गाड़ी में भूल चुका हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना पहले एक मफलर लिया जाए। और ठंड बहुत ज़्यादा ही हो रही है तो फिर ब्लॉगिंग स्टार्ट भी करते हैं। और फिर हम पहुँच चुके हैं फुटपाथ मार्केट, तिब्बत मार्केट की ओर। और आप नैनीताल आएंगे घूमने तो ये जगह तो आपको ज़रूर आएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो है गुरुद्वारा भी है, नंदा देवी मंदिर भी है, और अपना तिब्बत मार्केट एंड भोटिया मार्केट भी है यहाँ पे, जहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे कपड़े और वूलन स्वेटर सब कुछ मिल जाता है। यहाँ पे भी मिल जाता है, पर यहाँ पे थोड़ा सा रिजनेबल प्राइस है और यहाँ पर बार्गिन भी आप लोग कर सकते हैं, पर वहाँ पर बार्गिन नहीं कर सकते तिब्बत मार्केट में आप लोग। तो यहाँ देखिए आपको अभी जो है दुकान लगने का टाइमिंग है 4 से 6 बजे, तो यहाँ पे बेलपुरी और अपना जो भी खाना है खा सकते हैं आप लोग। तो यहाँ पे जगह जगह पे हमारे इस तरह से जो है ठेली लेके बैठे होंगे भैया लोग, और यहाँ देख सकते हैं आप लोग। और अभी हम पहुँच गए हैं भोटिया मार्केट, तो एम भोटिया एंड तिब्बत मार्केट दोनों पास में ही हैं, और उसी के बराबर में एक चाट बाज़ार भी है। तो यहाँ देखिएगा कितनी बढ़िया बढ़िया जैकेट लग रही हैं, वूलन स्वेटर भी हैं, जैकेट भी हैं, लेडीज जेंट्स सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और आप लोग ज़्यादातर तो अपने घर से भूल गए हैं तो यहाँ से आप लोग ले सकते हैं, नहीं तो आप फुटपाथ मार्केट से भी लेना चाहें तो वहाँ से भी ले सकते हैं आप लोग। और ये अपना जो है चाट बाज़ार है यहाँ पर, जो यहाँ के मोमोस हैं, थुप्पा है और डोसा है, मतलब काफ़ी चाइनीज़ आइटम यहाँ पे काफ़ी फेमस हैं ये दोनों रेस्टोरेंट नॉन वेज में। और इसी के बराबर में सामने वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है, और यहाँ से को बच्चों को खिलौने दिलवाना है तो आप लोग दिलवा सकते हैं, यहाँ पे काफ़ी अच्छे अच्छे खिलौने हैं। तो बचपन में हम भी लेते थे तो बच्चे भी जिद करते ही हैं लेने के लिए। और सामने देखिएगा भोटिया मार्केट है, ये देख सकते हैं आप लोग। और ये रास्ता गया अपना मां नंदा देवी का गेट है, मंदिर जाने के लिए तो वहाँ के बराबर में अपना प्रसाद लेना चाहें तो प्रसाद वगैरह ले सकते हैं आप लोग। और ये अपने सामने तिब्बत मार्केट है, तो यहाँ देखिएगा बहुत ही कम हमें भीड़ दिख रही है टूरिस्ट यहाँ पे, तो हमें मुझे लगता है इधर के साइड तो टूरिस्ट आ नहीं रहे, पर अभी वहाँ पर काफ़ी टूरिस्ट दिख रहे थे जब हम आ रहे थे ना मार्केट के अंदर को। और आज सलाह भाई अमन होटल होके आए हुए हैं, देख सकते हैं हमारी भाई साहब कैसे किस तड़ी में जा रहा है, आज इन्होंने सारी मंजिलें हासिल कर ली हो। देख लेना रात क्या करने गए थे आज, बातचीत करने के लिए माल रोड पे जो है बीच में आ गए, जहाँ पे अपना अलका होटल और इंडिया होटल है। तो अगर आप नियर पे आ रहे हैं तो ये अपना ऑनलाइन बुक करना चाहें तो बुक कर सकते हैं, और इसमें काफ़ी अच्छे अच्छे रूम बने हुए हैं आप लोग देखते हो। मेन बात क्या है, सबसे बड़ी बात यह है कि अपना जो है मेन रोड से मिलते हुए हैं, यहाँ सामने देखिएगा। और ये अपना इंडिया है, एवरेस्ट है, अलका होटल है, तो ये तीनों अपने पास में ही हैं। पर इसकी जो है पार्किंग दोस्तों नहीं है अवेलेबल, पार्किंग आपको जो पार्किंग में ही लगाना पड़ेगी, और पेड पार्किंग है 120 रुपये आपको देना पड़ेंगे और पार्किंग लगाना पड़ेगी। और यह है मेन माल रोड, और यहाँ से अपना जू जाना चाहते हैं आप लोग, और आप लोग ज़ू जाना चाहते हैं और ज़ू के लिए शटल सेवा कहाँ से मिलती है तो आपको आज हम बताने वाले हैं। और काफ़ी टाइम हो गया तो हमने आपको बताया भी नहीं था कि ज़ू के लिए शटल सेवा कहाँ से मिलती है और कहाँ से आप लोग जा सकते हैं। तो सामने देखिएगा आपको ज़ू सामने लिखा हुआ है, और उसी के नीचे जो है अपना ज़ू शटल सेवा लिखा हुआ है, सामने देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ आपको जो है ज़ू शटल सेवा में बैठने के लिए जो है 60 रुपीज़ आपको पे करना पड़ेंगे, और वही आपको जो है लेके जाएंगे और वही आपको लेके आएंगे। और ये रास्ता गया अपना ज़ू के ओर, तो यहाँ से जाने के बाद ऊपर से एक गाड़ी आती है, एक नीचे से जाती है, तो वही आपको लेके जाते हैं, वही आपको लेके आते हैं। तो आज यहाँ से देखिएगा आप लोग, तो इस तरह से यहाँ पर शटल सेवा खड़ी रहती है, और टिकट काउंटर यहाँ पर भैया बैठे रहते हैं, अभी है नहीं यहाँ पर क्योंकि आज थोड़ा सा रश कम है, टूरिस्ट कम है, तो इसलिए भैया बैठे हुए नहीं, क्योंकि एक ही गाड़ी खड़ी है और 3-4 जो है वहाँ पे टूरिस्ट खड़े हैं। और वो देखिए सामने जो है पर्ची लेके भैया खड़े हुए हैं वहाँ पे, और सूट ये देखिएगा ज़ू शटल सेवा नीचे लिखा 70 रुपये,
70 रुपये जो प्राइस है आपका आना जाना, वही आपको लेके जाएंगे, वही लेके आएंगे। पर उसके लिए आपको थोड़ा सा तो वो करना पड़ेगा जू काउंटर पे जाने के लिए, जहाँ पे जू के लिए एंट्री है। तो यहाँ से देख सकते हैं आप लोग, और इसी के बराबर में अपना लेक का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत यहाँ से लेक देखने के लिए मिलता है। और आपको अगर आपको टिकट नहीं मिल रही है और आपको लाइन लगाना पड़ी, तो जब तक अपना टाइम पास कैसे करें, तो यहाँ पे भुट्टा भी खा सकते हैं आप लोग, भुट्टे मिलते हैं। देखिएगा स्वीट कॉर्न भुट्टे यहाँ पे, और स्वीट कॉर्न भुट्टे के साथ यहाँ पे देखिएगा गोलगप्पे। तो गाइस जू सटल चपे के पास से हम आ गए हैं जोगर पार्क में। तो यहाँ पे जोगर पार्क में अगर आप लोग नैनीताल में आ रहे हैं घूमने के लिए और आपको एक्सरसाइज करना है और जिम करना के लिए आप सोच रहे हैं, तो जिम हमारे नैनीताल अलका होटल जू के सटल चपे के पास में एक जो है पार्क बना हुआ काफ़ी, और वहाँ पर आपको कोई भी प्राइस कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, कोई भी पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो मैं दिखाता हूँ किस तरह का जो यहाँ पर एक पार्क बना हुआ है जिम खाना पार्क, तो मैं आपको दिखाता हूँ। तो बने रहिए और वीडियो में आज बहुत ही मज़ा आने वाला है, क्योंकि अभी हम खड़े हैं अलका होटल पर और अलका होटल से मल्लीताल तक जो है पूरा शूट करते हुए जाएंगे और पूरी जानकारी देते जाएंगे। जैसे आप नैनीताल में आए हैं घूमने और नैनीताल माल रोड में आप क्या क्या घूम सकते हैं, वो भी मैं आज आपको दिखाऊंगा। कौन कौन से पॉइंट है बीच में तलीताल से मल्लीताल तक, कौन कौन से प्लेस घूम सकते हैं आप, वॉक करना चाहते हैं, वॉक करने में क्या क्या घूमना चाहते हैं। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले जो है जिम पार्क दिखाता हूँ, उसके बाद आपको सारे प्लेस दिखाऊँगा क्या क्या प्लेस पड़ता है घूमने के लिए। हमारा ये जोगर पार्क यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे बड़े छोटे सभी लोग जो यहाँ पे जिम करने के लिए एक्सरसाइज करने के लिए आते हैं, पर ज़्यादातर यहाँ पे शाम में आपको काफ़ी लोग यहाँ पे मिलेंगे। अभी शाम होने में थोड़ा बहुत टाइम है, क्योंकि जब यहाँ पे एक्सरसाइज अभी होता है, जब ये रोड बंद हो जाता है ना 6 से 8 तो लोग वॉक करते हैं, तो वॉक करते करते लोग समझते हैं कि इससे बढ़िया थोड़ा एक्सरसाइज ही कर लेते हैं, थोड़ा सा घूम रहे हैं टाइम पास भी हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए क्या क्या है आपका एक्सरसाइज करने का, और काफ़ी अच्छे अच्छे जो है यहाँ पर आइटम है, सामान है, जिससे आप लोग जो है जिम करना चाहें और एक्सरसाइज करना चाहें कर सकते हैं। देखिएगा हमारे उस्मान भाई से कह रहा हूँ थोड़ा सा उधर एक्सरसाइज कर लो, मैं दिखा दूँगा, पर भाई मेरा करना नहीं चाह रहा, पर मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से आप लोग एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो ये हमारे उस्मान भाई देखिएगा चल दिए एक्सरसाइज करने, तो ये सारी एक्सरसाइज मैं आपको दिखाऊँगा कि हमारे भाई किस तरीके से एक्सरसाइज कर रहे हैं, ये देखिएगा। तो आप लोग भी करना चाहें तो कर सकते हैं। इसके बाद हम उस्मान भाई जाएंगे सामने और वहाँ पे एक्सरसाइज करेंगे, तो इस तरह से आप लोग करना चाहें तो कर सकते हैं यहाँ पे एक्सरसाइज। इसका कोई भी आपको प्राइस नहीं देना पड़ेगा, ओनली फ्री कोर्स अपना एक्सरसाइज आप लोग कर सकते हैं यहाँ पे। तो उस्मान भाई को लेके चलते हैं सामने वाले में, तो ये देखिएगा। तो मैं आपको दिखा रहे हैं हम आपको कि इस तरह से आप लोग जो यहाँ पर एक्सरसाइज करना चाहें कर सकते हैं सुबह शाम, मतलब आपको मॉर्निंग में सुबह काफ़ी यहाँ पे आपको भीड़ देखने नहीं मिलेगी और शाम में भी काफ़ी भीड़ देखनी, थोड़ी देर बाद देखने यहाँ पे कितनी भीड़ मिलेगी। तो इस तरीके से आप लोग जो है एक्सरसाइज करते हैं, तो यहाँ पे सभी आते हैं। अब यहाँ पे देखिएगा दूसरी हो गई, अब जा रहे हैं सुमान भाई तीसरी वाली एक्सरसाइज करने, तो ये अपनी हाथ वाली एक्सरसाइज ये देखिएगा, और ये है अपना अलका होटल के सामने। और काफ़ी मतलब है यहाँ पे, मतलब काफ़ी एक्टिविटी आप लोग जो करना चाहें, कोई सी भी एक्सरसाइज करना चाहें तो यहाँ पे एक्सरसाइज कर सकते हैं आप लोग। तो वो तीन देखे और यहाँ पे भी देखिएगा, ये नहीं टूटा है, अबे एक एक है भाई, एक से करना, तो अकेले सिंगल है ना, सिंगल कर। तो यहाँ पे कुछ आए होंगे तो उन्होंने यहाँ पे हरकत करी होगी, उसके कारण जो है टूट गया, बच गया। तो हमारे भाई ये देखो इस तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं, पर जो है एक किसी ने तोड़ दिया है, अभी एक है, पर एक से भी करना चाहें तो एक्सरसाइज कर सकते हैं आप लोग। माल रोड की नीचे वाली रोड पे जो है एक आपका लेक के जस्ट बराबर में है अपना सेल्फी पॉइंट, तो यहाँ पे देखिए हम आपको दिखाते हैं यहाँ से किस तरह का जो नैनीताल लेक का काफ़ी खूबसूरत और काफ़ी ब्यूटीफुल जो है नज़ारा देखने के मिलते हैं। और यहाँ पे सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं कितना प्यारा जो दिल बना हुआ है यहाँ पे, ये देखिए सेल्फी पॉइंट के पास ही हमेशा आपको जो है बत्तखें देखने के लिए मिलेंगे। तो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, तो अभी सारी बत्तखें लेक से बाहर आई हैं, तो अभी सभी बत्तखें जो हैं लेक में घूम रही थी, और मैं बुलाता हूँ उन्हें, तो यहाँ पे देखिए किस तरह की सारी हैं। तो इनके घर भी यहीं पे हमेशा ही यहीं पे मिलेंगे आपको, तो आपको बत्तखें देखना है नैनीताल लेक के पास में तो आप आ सकते हैं, और यहाँ पे जो कुछ भी अगर डालना चाहें तो यहाँ डाल भी सकते हैं, जैसे बन हो गया और रोटी हो गई और आपके कुछ भी हो गया मतलब खाने का इनका। और यहाँ देखिएगा आप कितनी खूबसूरत लग रही हैं बत्तखें, और यह जस्ट लेक के बराबर से ही आपको बत्तखें देखने मिलेंगे। आप लेक में घूम रहे हैं बोटिंग, तो आपको सामने ही देखने मिलेंगी बत्तखें,
डगो को मैं बुला रहा हूँ अपने पास में। आ, 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 आ। तो देखिए सारी बंदक आ रही है मेरे पास को। तो वो देखिए दो बोट में घूम रही और आपको सारी बत्तख ऊपर आ गई, फिर दो बत्तख जो है झील में घूम रही, नहीं तीन है, ये देखिएगा। तभी मेरे नजदीक आ रही है। तो गाइस अब हम जा रहे हैं मल्ली ताल की ओर। तो आज हमने आपको दिखाया कि मालोट में आप क्या क्या घूम सकते हैं और 6 से 8 जो है आप लोग घूमने का क्या क्या है वो भी मैंने आपको जो अपने ब्लॉग में बताया है। तो मेरे साथ उस्मान भाई देखिएगा किस तरीके से जो है अपनी शक्ल छुपा रहे हैं। तो अभी काफ़ी मौसम देखिएगा इतना ठंडा हो गया, तो उस्मान भाई को हमारे ठंड लग रही है और मुझे भी लग रही थी। मैंने अंदर मफलर भी पहन रखा है और अंदर एक जैकेट पहन रखी है, उसके ऊपर से जो है ये हुड पहन रखा है। तो अभी देखिए हम नीचे वाली रोड पर माल रोड में अभी जा रहे हैं मल्ली ताल की ओर, और मेरे जस्ट बराबर में है नैनी लेक, ये सामने देख सकते हैं आप लोग, और मेरे ऊपर शाम ऊपर वाली रोड पे देखिएगा मालोट। तो जो अपना 6 से 8 घंटे देता है पूरा जो है मालोट वहाँ से देखिए और वहाँ तक आप लोग घूम सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा नज़ारा, काफ़ी व्यू देखने के लिए मिलता है लेक का। और नज़ारे की बात करें लाइटें जो है पूरे लेक में जल भी मिलती हैं, पूरे लेक में चारों तरफ जो है ठंडी रोड पर लेके लेक के पास में ही जो लाइटें चलती हैं उसका नज़ारा कुछ अलग ही दोस्तों देखने को मिलता है। तो आप लोग आइए और मालोट भी घूम सकते हैं, और भी हम आपको आगे अपडेट देंगे कि आज हमारे नैनीताल में क्या क्या चल रहा है। तो अभी हम नैनीताल से अभी मल्लीताल की ओर जा रहे हैं। तो अभी मौसम जो काफ़ी ठंडा हो गया और हाथ काम नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हाथ जैसे सुखड़ गए मेरे, बहुत ज़्यादा ठंडा होने लगे। दोस्तों पहुँच गए हैं गाइस मल्लीताल रिक्शा स्टैंड पे, जहाँ से पूरी मालोट की एंट्री होती है, वो 6 से 8 अपना मालोट जो है यहाँ से जो बंद होता है। तो ये सामने देखिएगा दोनों गेट जो है यहाँ पे लग जाते हैं और ये मालोट जो है बंद हो जाती है। मालोट सिर्फ मतलब इसलिए बंद होती है कि आप लोग जब आराम से यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं उस टाइम सिर्फ आप वॉक कर सकते हैं, गाड़ी नहीं जा रही, ना साइकिल ना बाइक कुछ भी नहीं जाएगा, सिर्फ आप लोग जो है वॉक करके घूम सकते हैं। और यहाँ पे शॉपिंग करने के लिए जहाँ से पूरा स्टार्टिंग हो जाता है पूरे मार्केट वगैरह, और ये अपना वुड लेन है, और अगर आपको कुछ खाना वाना खाना है तो दिल्ली दरबार रेस्टोरेंट है, रॉयल किचन ढाबा है, अशोक रेस्टोरेंट है, तो यहाँ से एंट्री होती है। पर ये वाला नीचे वाला रोड हमेशा खुला रहता है, किसी टाइम भी आप इस रोड पर आ जाते हैं, ये रोड आपका 24 आवर्स अपना खुला रहता है, किसी टाइम भी आप नीचे वाली रोड से आ सकते हैं। और आगे है टोल, और टोल आपको अगर आप इस रोड से कितने भी चक्कर मारेंगे तो आपको हर एंट्री करना पड़ेगी, और एंट्री है अपना 120 रुपये एंट्री है, जो अपना तल्लीताल डाट से होती है, वहाँ पर जो टोल बूथ बना हुआ है और वहाँ से अपना टोल बूथ देख के एंट्री कर सकते हैं, पूरा लेक देखने के लिए और मल्लीताल घूमने के लिए आप यहाँ पे। चलिए गाइस हम मालोट से जा रहे थे फुटपाथ मार्ग की ओर, तो अपना ब्लॉग जो है यहाँ पे एंड करना है। तो जैसे मैंने आपको गाइस कहा नैनीताल में जो नियर का टाइम आ रहा है, और नियर का टाइम जो काफ़ी भीड़ हो जाती है, अगर आपको जिसको भी होटल बुक करना है तो होटल बुक कर सकते हैं, और इसकी जानकारी आपको लेना है नैनीताल के बारे में, नियर वे में क्या क्या घूम सकते हो, क्या क्या यहाँ पे जो है डिस्को वगैरह चलता है, तो पूरा जो आपको जानकारी देंगे। और उसमें आपको जानकारी के लिए मेरा कॉन्टैक्ट नंबर चाहिए, तो आप इंस्टाग्राम पर जाइए शराब नैनीताल सर्च करिएगा और फॉलो करिएगा और मुझसे मेरा कॉन्टैक्ट नंबर मांगिए। तो इसी के साथ जो अपने ब्लॉग को करते हैं एंड।